तो फिर इस मसल स्पिंडल एंड टेंडन ऑर्गन की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है लाइक वाइस हमने पाथवेज पढ़े थे लाइक डॉर्डसल कॉलम मीडियल एमिसकस पाथवे तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसका एक फंक्शन होता था कॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन का सो प्रोप्रोसेप्शन का वर्ड जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे मसल स्पिंडल एंड टेंडन ऑर्गन का ही काम होता है लाइक वाइस जब हमें सेरेबलम पढ़ना होगा जिसका फंक्शन होता है अनकॉन्शियस प्रोप्रोसेप्शन का तो वो भी फंक्शन मसल स्पेंडल एंड टेंडन ऑर्गन का ही होता है सो अल्टीमेटली ये जो मसल स्पेंडल और टेंडन ऑर्गन होते हैं ये प्रोप्रोसेप्शन का फंक्शन करते हैं नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था लाइक मैकेनो रिसेप्टर्स पढ़े थे थर्मो रिसेप्टर्स फोटो रिसेप्टर्स प्रोप्रियो रिसेप्टर्स सो एक ब्रीफ रिविजन अगर दे दे तो मैकेनो me रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते थे जो कि मैकेनिकल इवेंट्स को स्टूमलस की तरह वर्क करता था जिनके लिए जैसे पेंट टच और प्रेशर ये मैकेनिकल स्टुमलस होते थे जिनको रिसीव करने का काम करते थे मैकेनो रिसेप्टर्स वैसे ही थर्मो रिसप्टर्स हमने पढ़े थे जिसमें टेम्परेचर स्टूमलस की तरह वर्क करता था वैसे ही हमने फोटो रिसेप्टर्स पढ़ा था जिसके अंदर लाइट स्टुमलस की

हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक दैट इज मसल स्पेंडल एंड गोलगी टेंडन ऑर्गन को डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल बेली सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे फिर मसल स्पेंडल वर्सेज गोल्गी टेंडन ऑर्गन देन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स इन द मसल स्पेंडल देन एफरेंट एंड ईफ्रेंट सप्लाई ऑफ द मसल स्पेंडल देन स्टेटिक रिस्पॉन्स वर्सेज डायनेमिक रिस्पांसिस देन वी विल बी डिस्कस द बेसिक न्यूरोनल सर्किट

मसल बेली के सेंटर में मसल बेली के जस्ट सेंटर में एक स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दिस इज ए स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द मसल बेली ये जो स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये एक टाइप का प्रोप्रियोसेप्टर होता है और इस प्रोप्रियोसेप्टर को हम लोग कहते हैं मसल स्पिंडल ये जो मसल स्पिंडल होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है इंट्राफ्यूजल फाइबर्स ए फ्रेंड एंड ई फ्रेंड ये जो अंदर बीच में ब्लू कलर के फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं दीज आर द इंट्राफ्यूजल फाइबर्स विच आर लोकेटेड इनसाइड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉल्ड एज मसल स्पिंडल एफ्रेंट न्यूरॉन्स और ईफ्रेंट न्यूरॉन्स एफ्रेंड न्यूरॉन्स जो कि इन इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स से इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और ये ईफ्रेन न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफॉर्मेशन ले ले आने का काम करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स तक तो ये तीनों से मिल करके ये पूरा का पूरा मसल स्पिंडलेंट बना होता है मसल स्पिंडल के अंदर जो फाइबर्स प्रेजेंट है इस मसल स्पिंडल के जो अंदर फाइबर्स प्रेजेंट है इनको हमने इंट्राफ्यूज़ल फाइबर कहा साइमल्टेनियसली ये जो मसल स्पिंडल के बाहर के जो फाइबर्स होते हैं उनको हम लोग एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स कहते हैं सो so, हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं जो कि मसल स्पिंडल के बाहर प्रेजेंट है दीज फ्यूजल फाइबर्स जो कि मसल स्पिंडल के बाहर प्रेजेंट है और ये जो इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स जो कि मसल स्पिंडल के अंदर प्रेजेंट है ये दोनों एक दूसरे के पैरले प्रेजेंट होते हैं अब जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होते हैं क्योंकि इन एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से ये मेन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट ऑफ द मसल होते हैं मेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फाइबर्स होते हैं वो ये एक्स्ट्रा फ्यूजल फ़ाइबर्स होते हैं वाई ये जो इंट्राफ्यूजल फ़ाइबर्स होते हैं ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का मेन फंक्शन होता है सेंसरी फंक्शन मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन तो ये भी करते हैं पर इनका कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होता है बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं ये मेन इनका फंक्शन जो होता है वो होता है सेंसरी फंक्शन होता है इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का सो so ये पहला टाइप का प्रोप्रियोसेप्टर जो कि मसल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं मसल स्पिंडल नाउ सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोप्रियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मसल के टेंडन्स में लोकेटेड होता है इन प्रोप्रियो को हम लोग कहते हैं गोलगी टेंडन ऑर्गन्स ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स भी सेंसरी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेंडन में लोकेटेड होते हैं और अब हम ये दो ये दो टाइप के प्रोपर रिसप्टर्स हम लोग को डिस्कस करने हैं तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर डिस्कशन विल बी द मसल स्पिंडल वर्सेस गोल्गी टेंडन ऑर्गन नाउ वी विल भी डिस्कसिंग देंसरी पार्ट दैट इज द मसल स्पिडल एंड द गोल्गी टेंडन ऑर्गन ये दोनों ही दोनों जो होते हैं वो अल्टीमेटली जो काम करते हैं वो प्रोप्रोसेप्शन का ही काम करते हैं सो बोथ आर प्रोप्रोसेप्टर्स बट डिफरेंट रेस्पेक्ट्स में ये प्रोप्रोसेप्शन का काम करते हैं इसको हम लोग समझेंगे मसल स्पिडल हमने कहा था कि जो मसल बेली के सेंटर में जो स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग मसल स्पिडल कहते हैं ये मसल स्पिंडल जो होता है वो सेंस करता है लेंथ और चेंज इन लेंथ को मतलब अगर ये जो मसल बेली है इनका हम लोग एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या फिर मतलब हमने लेंथ को चेंज किया उसको जो सेंस करने का काम करता है वो करता है मसल स्पेंडल विच इज़ ड्यू टू द चेंज इन ज्वाइंट एंगल एंड इट रिप्रेजेंट द चेंज इन पोजिशन विच इज अल्टीमेटली द प्रोप्रोसेप्शन और गोल्गिट एंड एंड ऑर्गन जो होते हैं वो सेंस करते हैं टेंशन और चेंज इन टेंशन को जो कि फिर ड्यू टू द चेंज इन एंगल होता है दैट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजिशन विच इज एक्चुअली प्रोप्रोसेप्शन सो अल्टीमेटली हम कहना क्या चाहते हैं कि कैसे प्रोप्रोसेप्शन लेंथ से इफेक्ट होता है और कैसे प्रोप्रोसेप्शन टेंशन से इफेक्ट होता है हमने कहा कि कोई भी मसल होती है तो कोई भी मसल में पोजिशन का चेंज होना को हम लोग प्रोप्रोसेप्शन कहते हैं जैसे अगर हम लोग ये एक हैंड की बात करें इस हैंड के अंदर यहाँ फ्लेक्सस मसल प्रेजेंट होंगे और यहाँ एक्सटेंसर मसल प्रेजेंट होंगे जो अगर हमने इस हैंड को ऐसे ऐसे करके रोटे ऐसे करके इसको हमने फ्लेक्स किया तो ये जो फ्लेक्स, ये जो मसल्स थे यहाँ के मसल्स जो यहाँ के मसल्स थे वो फ्लेक्स हो गए मतलब ये मसल्स जो हो गए वो यहाँ के क्या हो गए कॉन्ट्रैक्ट हो गए और यहाँ के मसल्स जो हो गए वो क्या हो गए स्ट्रेच हो गए तो इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब हमने क्या किया कि एक्चुअली में पोजीशन को हमने क्या किया चेंज किया अपने हैंड की पोजीशन को चेंज किया विच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन पोजीशन एंड इस चेंज इन पोजीशन की वजह से ज्वाइंट का जो एंगल था वो भी चेंज हुआ विच रिप्रेजेंट्स द चेंज इन ज्वाइंट एंगल विच और इसको सेंस किया मतलब इस जो लेंथ में जो चेंज हुआ है मतलब लेंथ जो हुआ है यहाँ पे यहाँ के मसल्स की लेंथ कम हुई है और जो पीछे की मसल्स हैं उनकी लेंथ बढ़ी है इन मसल्स की लेंथ के चेंज को जो लेंथ के चेंज को जो रिसीव करेंगे स्टूमलस की तरह वो होंगे मसल स्पिंडल नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द टेंशन हमने कहा कि जैसे ही अगर मसल की लेंथ चेंज हुई होगी ये मसल की लेंथ है अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट की होगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो टेंडेंस होंगे उनमें टेंशन बढ़ा होगा लाइकवाइज अगर ये मसल स्ट्रेच की होगी तो टेंडेंस जो होंगे उनके अंदर टेंशन जो होगा वो कम हुआ होगा इन टेंशन को जो रिसीव करने का, का काम करता है स्टिमलस की तरह वो होते हैं गोलगी टेंडन ऑर्गन सो so, इस तरह क्या होता है कि मसल स्पेंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो होते हैं वो मसल स्पेंडल जो होगा वो चेंज इन लेंथ को रिसीव करके प्रोप्रोसेप्शन का काम करता है और गोल्गी टेंडन

नाउ कमिंग टू द इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स ऑफ द मसल स्पिडल हमने कहा था कि जो मसल स्पिडल के अंदर के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स कहते हैं और इनके बाहर के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हम लोग एक्स्ट्राफ्यूज़ल फाइबर्स कहते हैं मसल स्पिडल क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स डिस्कस करते हैं अट्टीमेटली इंट्राफ्यूज़ल मसल फाइबर्स दो तरह के होते हैं न्यूक्लियर चीन फाइबर्स एंड न्यूक्लियर बैक फाइबर्स न्यूक्लियर चेन फाइबर्स जो होते हैं उनका नंबर थ्री टू नाइन इन नंबर होते हैं पर स्पिडल एंड न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जो होते हैं वो वन टू थ्री इन नंबर होते हैं पर स्पिंडल न्यूक्लियर बैक फाइबर्स फिर दो तरह के होते हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक न्यूक्लियर बैक बैक फाइबर्स सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल स्पिंडल जिसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो फाइबर दिख रहा है हमें ये एक डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर होता है इन्हें न्यूक्लियर बैक फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके सेंटर में बल्जिंग प्रेजेंट होता है एक बैग शेप्ड बल्जिंग जिनके अंदर न्यूक्लियस कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं जिस वजह से इनको हम लोग न्यूक्लियर बैग फाइबर्स कहते हैं न्यूक्लियर बैग फाइबर्स दो तरह के होते हैं डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर एंड स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर नेक्स्ट न्यूक्लियर चेन फाइबर्स दीज आर द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो पूरे के पूरे लेंथ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सो दिस इज़ द न्यूक्लियर चेन फाइबर्स नाउ ये जो सारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं ये अल्टीमेटली ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली इनको हम लोग दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं जो सेंटर में जो ये रीजन प्रेजेंट होता है सेंट्रल रीजन जिसको हम लोग कहते हैं ये सेंट्रल रीजन इसका नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंटर होता है मतलब इसका सेंटर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम नहीं करता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंटर होता है और इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के जो एंडस होते हैं जो दोनों एंड्स होते हैं ये एंड हो गया और ये एंड हो गया तो इन इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के जो एंडस होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल पोलर एंड होते हैं मतलब ये माइन्यूट कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं मसल का अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्शन तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स ही करते हैं पर कुछ लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन ये पोलर एंड्स भी करते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के वैसे तो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स का मेन फंक्शन जो होता है वो सेंसरी फंक्शन होता है और ये सेंसरी फंक्शन जो होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल सेंटर ही परफॉर्म करता है लेकिन माइन्यूट अमाउंट में ये कॉन्ट्रैक्शन भी कॉन्ट्रैक्शन uh, uh, भी परफॉर्म करते हैं और ये कॉन्ट्रेक्शन का, का काम कौन करता है पोलर एंड्स करते हैं सो दिस वॉज द दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर विच इज लोकेटेड इन द मसल स्पेंडल अब हम लोग समझेंगे कि इसमें ये जो सेंसरी या ये जो सेंसरी पार्ट होता है ये इससे एफ्रेंट न्यूरॉन्स कैसे निकलते हैं और ये जो पोलर एंड होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एंड होते हैं इसमें ईफ्रेंट न्यूरॉन्स कैसे एंटर करते हैं सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन विल बी द एफरेंट एंड द ईफ्रेंट सप्लाई ऑफ मसल स्पेंडल एफ्रेंट एंड द ईफरेंट सप्लाई ऑफ द मसल स्पिंडल समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इस मसल स्पिंडल के लिए स्टूबलस का काम कौन करता है हमने हमें पता है कि जो ये मसल स्पिंडल होते हैं ये सेंस करते हैं प्रोप्रियोसेप्शन को दैट इज़ चेंज इन पोजीशन को तो जो भी पोजीशन में चेंज होता है इसको सेंस करने का काम करता है मसल स्पिंडल पोजीशन का चेंज होना अल्टीमेटली स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ़ द मसल होता है जब पोजीशन ऐसे चेंज हुई तो इन मसल्स का क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और जो पीछे वाले मसल्स थे उनका क्या हुआ स्ट्रेचिंग हुआ जब पोजीशन ऐसी हुई तो इन मसल्स का स्ट्रेचिंग हुआ और इन मसल्स का क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग ऑफ द मसल्स होता है इनकी वजह से क्या होता है कि मसल स्पिंडल का जो सेंट्रल रीजन होता है इस मसल स्पिंडल के सेंट्रल रीजन के अंदर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज हो जाती है मेम्ब्रेन की परमीएबिलिटी चेंज होने की वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन हो जाता है रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन हम लोग सेंसरी रिसेप्टर वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि पेसिनियन कॉर्पेसल के अंदर कैसे प्रेशर से रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन होता है लाइकवाइज यहाँ पे स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन से रिसेप्टर पोटेंशियल का जनरेशन होता है ये रिसेप्टर पोटेंशियल जो होता है वो आगे फर्दर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है ये मसल स्पिंडल के सेंट्रल रीजन से एफरेंट फाइबर्स के थ्रू एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ये ट्रांसवर्स करती है ट्रांसमिट करती है इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो रिस्पॉन्स जो होता है वो वापस आता है ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू आता है इन मसल स्पिंडल में अब ईफरेंट फाइबर दो तरह के होते हैं अल्फ़ा अल्फाईफ्रेंड फाइबर होते हैं एंड गामा ईफ्रेंट फाइबर होते हैं अल्फ़ा ईफ्रेंट फाइबर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूज़ल फ़ाइबर्स जो कि इस मसल स्पिंडल के बाहर के फाइबर्स हैं उनको सप्लाई करता है जबकि जो गामा इफ्रेंट फाइबर होते हैं वो इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स के कॉन्ट्रेक्टाइल पोलर एंड्स को सप्लाई करता है अब क्योंकि हमें पता है कि जो मसल इंट्राफ्यूज़ल फ़ाइबर्स होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स उसमें से भी जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं वो भी फर्दर दो तरह के होते हैं डायनेमिक एंड स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स तो ये जो गामा इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं दैट इज़ डायनेमिक गामा इफरेंट फाइबर्स एंड स्टेटिक गामा इफरेंट फाइबर डायनेमिक गामा इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर को इनरवेट करते हैं वाइल स्टेटिक गामा इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को इनरवेट करते हैं जो सेंसरी इफरेंट्स हैं दैट इज सॉरी जो सेंसरी एफरेंट्स हैं लाइक प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स होते हैं वो और सेकेंडरी एफरेंट फाइबर होते हैं दो तरह के सेंसरी एफरेंट फाइबर होते हैं प्राइमरी एफरेंट फाइबर जो होते हैं वो वन ए टाइप ऑफ द फाइबर्स होते हैं टाइप्स ऑफ द फाइबर्स भी हमने सेंसरी रिसेप्टर्स में डिस्कस किया था तो प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो वन ए टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं ये प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो सेंसरी इन्फॉमेसन को लेकर के आने का काम करते हैं तीनों के तीनों इंट्राफ्यूज़ल फाइबर से दैट इज़ डायनेमिक न्यूक्लियर बैग स्टेटिक न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन इन तीनों से तीनों सेंसरी इन्फॉमेशन को ये कैरी करने का काम करते हैं प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स वही सेकेंडरी एफरेंट फाइबर्स जो कि टाइप टू के फाइबर्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को लेकर के आने का काम करते हैं स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर से और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स से सो so, ये एफरेंट फाइबर्स होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को जो कि स्टुमलस जो कि ये रिसीव करेगा उस स्टुमलस को कैरी करने का काम करेंगे ये एफरेंट फाइबर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स होगा दैट इज़ अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग हुई होगी मसल स्पिंडल की तो जो रिस्पॉन्स आएगा वो आएगा कॉन्ट्रैक्शन का अगर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा मसल स्पिंडल का तो रिस्पॉन्स जो आएगा वो आएगा स्ट्रेचिंग का तो ये जो रिस्पॉन्स आता है वो आता है ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू जो कि फर्दर दो तरह के होते हैं अल्फा और गामा अल्फा जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करते हैं और जो गामा होते हैं वो इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स को इनरवेट करते हैं तो ये हमने देखा कि कैसे एफ्रेंट और ईफरेंट सप्लाई होती है अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो एफ्रेंट एंडिंग्स की बात करेंगे एफरेंट एंडिंग मेनली दो तरह के होते हैं प्राइमरी एफरेंट एंडिंग होती है जिसको हम लोग एन्यूलो स्पायरल एंडिंग भी कहते हैं और एक सेकेंडरी एफरेंट एंडिंग होती है प्राइमरी एफरेंट एंडिंग या फिर एन्यूलो स्पायरल एंडिंग जो होती है वो ऑबियसली बात है प्राइमरी एफरेंट फाइबर से बने होंगे और प्राइमरी एफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो वन ए टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं जिनका डायमीटर सेवेंटीन माइक्रोमीटर होता है ये जो प्राइमरी एफरेंट एंडिंग होती है ये इंसर्कल करती है सेंट्रल पोर्शन ऑफ ईच इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स जितने भी इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स होंगे उन सब को इंसर्कल करने का काम करेंगी ये प्राइमरी एफरेंट एंडिंग लेकिन ये जो सेकेंडरी एफरेंट फाइबर्स होंगे इनकी जो एंडिंग्स होगी जिनको हम लोग सेकेंडरी एफरेंट एंडिंग कहेंगे ये टाइप टू के फाइबर्स होते हैं जिनके डायमीटर एक एट माइक्रोमीटर होता है मतलब ये लेस डायमीटर के होते हैं तो इनके अंदर कंडक्शन वेलोसिटी भी कम होती होगी ये इनरवेट करते हैं ऑन वन और बोथ साइड्स ऑफ द प्राइमरी एंडिंग्स इन स्टेटिक न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर एक साइड में भी या फिर दोनों साइड में दोनों साइड में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं और किसी एक साइड में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ऑन स्टैटिक न्यूक्लियर बैग एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स सो अल्टीमेटली ये हमने ये हमने पढ़ा सारा का सारा एफरेंट एंड ईफ्रेंट सप्लाई ऑफ द मसल स्पिंडल और हमने डिफरेंसेस देखे प्राइमरी एफरेंट एंडिंग और सेकेंडरी एफरेंट एंडिंग में अब ये जो हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक रेस्पॉस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे हमने कहा कि स्टैटिक न्यूक्लियर बैग डायनेमिक न्यूक्लियर बैग है स्टैटिक गामा एफरेंट और डायनेमिक गामा एफरेंट फाइबर्स है तो ये स्टैटिक और डायनेमिक रेस्पॉन्सेज होती क्या हैं इनको हम लोग समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में दैट इज स्टैटिक रेस्पॉन्सेज वर्सेज डायनेमिक रिस्पॉन्स नाउ वी विल सी स्टैटिक रिस्पॉन्स वर्सेज डायनेमिक रिस्पॉन्स स्टैटिक रिस्पॉन्स तब आता है जब स्लो स्ट्रेचिंग होती है या फिर मसल स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है तो फिर जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम लोग स्टेटिक रिस्पॉन्स कहते हैं ये एक मसल स्पिंडल है इस मसल स्पिंडल का ये जो सेंट्रल रीजन होता है ये सेंसरी रीजन होता है इस सेंट्रल रीजन की जब स्ट्रेचिंग होती है स्लो स्ट्रेचिंग होती है या तो या तो फिर ये स्ट्रेच मान लीजिए कि इसकी इनिशियल लेंथ इस सेंट्रल रीजन की इनिशियल लेंथ टू सेंटीमीटर थी और फिर इसकी स्ट्रेचिंग होने शुरू हुई टू से फोर सेंटीमीटर धीरे 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 सिक्स सेंटीमीटर हुआ तो ये जो स्लो स्ट्रेचिंग हुई ये जिसके लिए रेस्पॉन्स का ये जिसके लिए स्टुबलस का काम करेगी वो होंगे वो प्रोवाइड करेंगे स्टेटिक रिस्पॉन्स को और अगर एक्सटेंडेड कंडीशन है दैट इज स्ट्रेस्ड कंडीशन है मान लीजिए कि इसकी इनिशियल लेंथ टू सेंटीमीटर थी और फाइनल लेंथ इसकी सिक्स सेंटीमीटर पे कांस्टेंट बनी हुई है तो स्ट्रेस्ड कंडीशन है ये ये स्ट्रेस्ड कंडीशन भी जिसके लिए स्टुम्लस का काम करेगा वो प्रोवाइड करेगा जिस रिस्पॉन्स को उसको हम लोग कहेंगे स्टेटिक रिस्पॉन्स डायनेमिक रिस्पांस क्या होगा स्पिंडल का अगर इनकी जो स्ट्रेचिंग हो रही है मसल स्पिंडल की बहुत ही फास्ट स्ट्रेचिंग हो रही है मतलब टू सेंटीमीटर से सिक्स सेंटीमीटर पहुंच गया कुछ ही मिली के अंदर या या फिर इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ चेंज इन मसल लेंथ ये जो मसल की लेंथ चेंज हो रही है उसकी वेलोसिटी जो है मतलब चेंज इन लेंथ की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है ये जिस रेस्पॉन्स को इनिशिएट करती है उसको हम लोग कहते हैं डायनेमिक रिस्पॉस तो हमें ये समझ में आ गया कि स्टेटिक रिस्पॉन्स के लिए स्टुबलस क्या होता है दैट इज स्लो स्ट्रेचिंग या फिर स्ट्रेस्ड कंडीशन और डायनेमिक रिस्पॉन्स के लिए स्टुबलस क्या होता है फास्ट स्ट्रेचिंग या फिर इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द चेंज इन मसल लेंथ ये स्टूमलस का काम करता है अब स्टेटिक रिस्पॉन्स जो होता है ये जो स्टूमलस होता है स्टेटिक रिस्पॉन्स के लिए ये स्टुबलस स्टुमलेट करने का काम करता है स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स को डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को ये स्टूबलेट नहीं करता है क्योंकि डायनेमिक न्यूक्लियर फाइबर्स एज ए द नेम सजेस्ट उनको डायनेमिक स्टुबलस ही स्टूमुलेट कर पाएगा स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर को स्टुमुलेट करते हैं स्टेटिक स्टेटिक स्टुमलस और डायनेमिक स्टुमलस जो होते हैं वो स्टुमुलेट करने का काम करते हैं डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स को अब डायनेमिक न्यूक्लियर फाइबर स्टूबलेट हो गया डायनेमिक रेस्पॉन्स से और डायनेमिक दादा, स्टुबलस से और स्टेटिक स्टुबलस से स्टुमुलेट हो गया स्टेटिक न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर ये जो स्टेटिक न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर है ये स्टुमलेट करेगा एफरेंट फाइब एफरेंट एंडिंग्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफरेंट एंडिंग्स को वाइल्ड डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर जो होगा वो स्टुमलेट करेगा सिर्फ प्राइमरी एफरेंट एंडिंग्स को यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टेटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स होते हैं ये स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर होते हैं और न्यूक्लियर चेन फाइबर होते हैं ये स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और न्यूक्लियर चेन फाइबर जो होंगे ये प्राइमरी एफरेंट को भी सब ये प्राइमरी एफरेंट से भी कनेक्टेड होते हैं और सेकेंडरी एफरेंट से भी कनेक्टेड होते हैं दैट वाइज इसलिए क्या होता है कि जो ये जो क्या कहते हैं स्टेटिक न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन फाइबर जब स्टूबलेट होंगे तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एफरेंट एंडिंग्स दोनों से स्टुबलस को कंडक्ट करने का काम करेंगे लेकिन जो डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर होता है ये डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर है ये डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एफ्रेंट से कनेक्टेड होता है ये सेकेंडरी एफ्रेंट इसके इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम नहीं करता है तो डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर जब स्टूबलेट होगा स्ट्रेचिंग से जो कि फास्ट स्ट्रेचिंग से स्टूबुलेट होगा तो इसके इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेंगे प्राइमरी एफरेंट फाइबर तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करेंगे प्राइमरी एफरेंट एंडिंग्स अब हम लोग बात करेंगे कि जो स्ट्रेचिंग हुई स्टैटिक रिस्पॉन्स के समय में जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा उतना ज्यादा स्टैटिक रिस्पॉन्स होगा टू सेंटीमीटर से फोर सेंटीमीटर अगर हुआ मसल की लेंथ तो स्टैटिक रिस्पॉन्स जो हुआ उससे ज्यादा स्टैटिक रिस्पॉन्स आएगा जब टू सेंटीमीटर से सिक्स सेंटीमीटर का चेंज आएगा सो चेंज इन द लेंथ जिसको हम लोग स्ट्रेचिंग कहते हैं वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टैटिक रिस्पॉन्स आएगा जबकि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेचिंग जितनी ज़्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ स्ट्रेचिंग मतलब रेट ऑफ चेंज इन लेंथ मतलब जिस स्पीड से लेंथ चेंज हो रहा है वो लेंथ वो स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा डायनेमिक रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को मिलेगा सो दिस वॉज कंप्लीटली डिफरेंस बिटवीन द स्टेटिक रिस्पॉन्स एंड द डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ द मसल स्पेंडल अब हम लोग लास्ट चीज डिस्कस करेंगे दैट इज द बेसिक न्यूरोनल सर्किट कि कैसे एक सर्किट में ये सारे के सारे फाइबर्स एफरेंट फाइबर्स और ईफरेंट फाइबर्स कनेक्टेड होते हैं और कैसे ये आर्क बनाने का काम करते हैं दिस इज द बेसिक न्यूरोनल सर्किट जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर मसल का लेंथ चेंज होता है दैट इज स्ट्रेचिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल होता है तो मसल स्पिंडल उस इन्फॉर्मेशन को एज अ स्ट्यूमुलस लेता है और एफरेंट फाइबर के थ्रू उस इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक भेजता है लाइकवाइज जब टेंडन्स के अंदर टेंशन चेंज होता है तो कैसे गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स जो होते हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को एज ए स्टूमलस लेते हैं और इफ़रेंट फाइबर्स के थ्रू उसको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक भेजते हैं इसमें भी हमने देखा था कि ये जो रेस्पॉन्स होता, होता है ये जो स्टूबलस होता है मसल स्पिंडल के लिए दो तरह का स्टूमलस हो सकता है दैट इज़ स्टेटिक स्टूमलस भी हो सकता है और डायनेमिक स्टूमलस भी हो सकता है अगर स्ट्रेचिंग जो हो रही है वो बहुत ही स्लो स्ट्रेचिंग है या फिर मसल जो है वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है तो जो स्टुमलस होता है वो डायनेमिक स्टमलस होता है ये डायनेमिक स्टुम्बलस से जो स्टुमलेट होते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स वो इंट्राफ्यूजल फ़ाइबर्स होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स दैट इज स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स एंड न्यूक्लियर चेन फाइबर्स और ये जो न्यू स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स होते हैं ये प्राइमरी एफरेंट और सेकेंडरी एफरेंट फाइबर्स दोनों को स्टुमलेट करते हैं लाइकवाइज़ अगर हम लोग डायनेमिक रेस्पॉन्स की बात करें जिसमें जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है मतलब चेंज इन द लेंथ ऑफ द मसल जो होता है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से जो फाइबर्स स्टमुलेट होते हैं जो इंट्राफ्यूज़ल फ़ाइबर्स स्टमलेट होते हैं वो डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं और डायनेमिक न्यूक्लियर फ़ाइबर्स जब स्टमुलेट होते हैं तो उनसे जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है थ्रू प्राइमरी एफरेन फाइबर्स सो जैसे भाई जैसा भी स्टूमलस होगा चाहे वो डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो चाहे वो स्टेटिक स्ट्रेचिंग हो जो वो इन्फॉर्मेशन एफरेन फाइबर्स के थ्रू यहाँ से कैरी होगी ये इन्फॉर्मेशन जब ईफ्रेंट फाइबर्स के थ्रू मसल स्पिंडल से कैरी होते हुए जाएगी तो ये डॉर्सल रूट के थ्रू एंटर करेगी स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करने के बाद इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ऊपर की तरफ असेंडिंग बाथवे से चली जाएगी जो कि मोटर कॉटेक्स में चली जाएगी सेरेबिलम में चली जाएगी ताकि हमें प्रोप्रोसेप्शन का इंफॉर्मेशन सेरेबिलम तक पहुँच सके और कुछ इंफॉमेशन जो उस और कुछ न, कुछ फाइबर्स जो होंगे वो एंटीरियर हॉर्न में आएंगे ये फाइबर्स जो होंगे वो स्नैप्स करेंगे ईफरेंट फाइबर्स के थ्रू वन सेकेंड ये ईफ्रेंट फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली टू टाइप के ईफ्रेंट फाइबर्स होते हैं अल्फ़ा ईफ्रेंट फाइबर्स एंड गामा ईफ्रेंट फाइबर्स अल्फ़ा ईफ्रेंट फाइबर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करते हैं वाइल गामा ईफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो इंट्राफ्यूजल फ़ाइबर्स को इनरवेट करते हैं ये जो अल्फ़ा ईफ्रेंट फाइबर्स होंगे ये जिस एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करने का काम करेंगे उनका मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का और ये जो गामा इफ्रेंट फाइबर्स होंगे ये भी कॉन्ट्रैक्शन का ही काम करवाएंगे इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स के एंड्स पे क्योंकि ये एंड्स पे जाकर के इनरवेट करते हैं तो ये एंड्स का क्या करवाएंगे कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे सो ये था सर्किट कैसे काम करता है किसके लिए मसल स्पिंडल के लिए इसी तरह अगर हम लोग गोल्गीट टेंडन ऑर्गन्स के लिए बात करें अगर टेंडेंस में टेंशन चेंज होगा तो ये जो टेंडेंस में टेंशन चेंज होगा इसको रिसीव करने का काम करेगा गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स ये गोल्गी टेंडन ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन जाएंगी ये इन्फॉर्मेशन जिन एफ्रेंट फाइबर्स से जाती हैं, वो वन बी टाइप के फाइबर्स होते हैं जिनका डायमीटर सिक्सटीन माइक्रोमीटर होता है सो so, ये इन्फॉमेशन एफरेंट फाइबर्स के थ्रू जाती है डॉर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू एंटर करती है डॉर्सल रूट के थ्रू एंटर करती है स्पाइनल कॉर्ड में वंस अगेन क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन की इन्फॉर्मेशन है तो इसको सेरेबेलम तक पहुँचना है और कुछ इन्फॉर्मेशन सेरेबरल कॉटेक्स तक भी पहुँचती है तो ये असेंडिंग पाथवे के थ्रू चली जाती है सेरेबेलम तक स्पाइनोसेरेबलर पाथवे के थ्रू और सेरेब्रल कॉटेक्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन जाती है असेंडिंग पाथवे के थ्रू और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो लोकल रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं ये जो गोल्गी टेंडन से फाइबर्स निकलते हैं ये जाकर के ये ये जैसे कि इधर जो फाइबर्स थे जो कि मसल स्पिंडल से फ़ाइबर निकल रहे थे ये मोनोसाइनेप्टिक कनेक्शंस बनाते हैं जबकि ये जो फाइबर्स होते हैं ये पॉली सिनेप्टिक मेनली बाईसनेप्टिक रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे दो साइनेप्ट देखने को मेनली मिलता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले ये स्टमुलेट करता है एक इंटर न्यूर को और ये इंटरन्यूरॉन जो होता है वो इनिबिटिट करने का काम करता है दैट इज़ इनिबिट्री पोस्ट साइनिप्टिक पोटेंशियल जनरेट करने का काम करता है जिसकी वजह से क्या होता है कि इनिबिट करता है ईफ्रेंट फाइबर्स को वंस अगेन यहाँ पर भी ईफरन फाइबर्स दो तरह के होते हैं अल्फा एंड गामा टाइप ऑफ ईफरेंट फाइबर्स अल्फा इफ्रेंट फाइबर्स जो होंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करने का काम करेंगे जिन एक्स्ट्रा फ्यूजल का मेनली फाइबर्स का मेनली काम कॉन्ट्रेक्शन का होता है और ये जो गामा इफ्रेंट फाइबर्स होंगे वो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनरवेट करने का काम करेंगे ये भी कॉन्ट्रेक्शन करने का काम करते हैं माइन्यूट लेवल पर कॉन्ट्रेक्शन करने का काम करते हैं पोलर एंड्स ऑफ द दैट इज कॉन्ट्रैक्टाइल पोलर एंड्स ऑफ द इंट्राफ्यूज़ल फाइबर्स को सो so, ऐसे हम लोग कहते हैं कि कैसे एक रिफ्लेक्स आर्क बन जाता है इन दोनों कंडीशन में ये हमने देखा तो ये था बेसिक न्यूरोनल सर्किट की कैसे ये पूरा का पूरा मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन जो होता है वो एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है और एक न्यूरोनल सर्किट बनाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ नाउ अब हमने ये सारे के सारे ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं मसल, मसल स्पिंडल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स के अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रिक्वेंटली आज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन टर्मिनल एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस दीज आर सम फ्रीक्वेंटली आज द सब्जेक्टिव क्वेश्चनल एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन विच वी कैन आंसर नाउ इजली Question 1 differentiate between the muscle spindle and golgi tendon organ Question 2 write short note on intrafusal fibers and their eff efferent and efferent supply Question 3 how does a muscle spindle responds to dynamic or static changes in the muscle tone एंड क्वेश्चन फोर व्हाट इज़ अल्फा गामा को एक्टिवेशन ओके अल्फा गामा को एक्टिवेशन हमने नहीं बताया आपको इट्स सिंपल अल्फ़ा गा कोटिवेशन क्या होता है कि जब ये जो ईफ्रेंट फाइबर्स जहाँ पे साइनएप्स कर रहे थे ये साइनएप्स करते हैं जब ईफरन फाइबर्स के साथ तो ईफ्रेंट फाइबर्स तो दो तरह के होते हैं अल्फ़ा फाइबर्स और गामा फाइबर्स ये जो साइनएप्स करते हैं तो ये दोनों को दैट इज़ अल्फ़ा एंड गामा ईफ्रेंट फाइबर्स दोनों को एक साथ स्टुबलेट करने का काम करते हैं एक साथ एक्टिवेट करने का काम करते हैं ये जो ईफ्रेंट फाइबर्स दोनों के दोनों ईफ्रेंट फाइबर्स दैट इज अल्फा एंड गामा और फाइबर्स को एक साथ एक्टिवेट करते हैं एक साथ एक साथ स्टुमुलेट करते हैं इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं गामा को एक्टिवेशन ये गामा को एक्टिवेशन इस मसल uh, स्पिंडल के मसल स्पिंडल के सर्किट में भी प्रेजेंट होता है और गोलगी टेंडन ऑर्गन के, के भी सॉरी मसल स्पिंडल के भी सर्किट में प्रेजेंट होता है और गॉलगीट टेंडन ऑर्गन के भी सर्किट में प्रेजेंट होता है सो अल्फा गामा को एक्टिवेशन इज सिंपली द साइमल्टेनियस एक्टिवेशन ऑफ अल्फ़ा एंड गामा ईफ्रेंट फाइबर्स बाई द एफ्रेंट फाइबर्स सो इसको हम लोग कहते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन सो ये पूरा का पूरा फ्रिक्वेंटली एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो हमने जो प्रोफेशनल और टर्मिनल एग्जाम्स में जनरली पूछा जाता है नाउ वी विल भी डिस्कसिंग द क्यू एन एन पी जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन Now, coming to the Q&A on PG entrance examination. The question number 1 is The intrafusal fibers of the straighted skeletal muscles are innervated by one of the following type of motor neurons. Choose the correct option. This question was asked in Ames PG, CMCPG, and NEED 2012. The options for this question were A alpha, B beta, C gamma, and D delta. कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी नो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स स्कैल्टल मसल के इनरवेट जो करता है वो होता है गामा टाइप ऑफ फाइबर्स दो तरह दो तरह के हमने फाइबर्स पढ़े थे ईफरेंट फाइबर्स पढ़े थे अल्फा एंड गामा इफ्रेंट फाइबर्स अल्फ़ा गामा अल्फा ईफ्रेंट फाइबर्स जो होते थे वो इनरवेट करते थे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को और गामा मोटर ईफ्रेंट्स जो होंगे वो स्टमुलेट करेंगे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड न्यूक्लियर बैक फाइबर्स आर रिलेटेड टू ऑप्शन ए फोर्स ऑप्शन बी लेंथ ऑप्शन सी टोन एंड ऑप्शन डी लेंथ एंड वेलोसिटी दिस क्वेश्चन वाज लास्ट इन डीएलपीजी 2009 एंड एम्स पी 2014 कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी नो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जो होंगे वो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेंथ एंड वेलोसिटी क्यों क्योंकि फोर्स दैट इज टेंशन ये रिलेटेड होते हैं गॉलगी टेंडन ऑर्गन से सिर्फ लेंथ आंसर नहीं हो सकता है टोन जो होता है वो मेनली रिस्पॉसिबल होता है टोन के लिए न्यूक्लियर चेन फाइबर्स लेंथ एंड वेलोसिटी के लिए न्यूक्लियर बैक फाइबर्स दोनों रिलेटेड होते हैं क्योंकि हमने देखा था कि जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं वो मेनली टू टाइप के होते हैं स्टेटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर एंड डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर जो चेंज इन लेंथ को रेस्पॉन्ड करते हैं वो होते हैं स्टैटिक न्यूक्लियर बैक फाइबर और जो वेलोसिटी ऑफ द मसल को जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ द चेंज इन लेंथ को जो रेस्पॉन्ड uh, करते हैं वो होते हैं डायनेमिक न्यूक्लियर बैक फाइबर्स सो अल्टीमेटली न्यूक्लियर बैक फाइबर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं दोनों लेंथ एंड वेलोसिटी से सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लेंथ एंड द नेक्स्ट टॉपिक कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइन इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स आर कॉल्ड ऑप्शन ए इज स्पेसाइकुलेशन ऑप्शन बी इज फेब्रिलेशन ऑप्शन सी इज टिक्स एंड ऑप्शन डी इज स्पैज्म ये क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन का आंसर रिलेटेड है पिछले टॉपिक जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन लेजेंस वर्सेस लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस तो उसके अंदर ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था ये क्वेश्चन आस हुआ है यूपी पीजी टू एंड डीएलपीजी 2009 में ये क्वेश्चन हम लोग उस वीडियो में नहीं पूछ पाए थे इस वजह से इस वीडियो में इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो फाइन इरेगेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स हम लोग क्या कहते हैं जो ऑप्शंस में हमें कन्फ्यूजन होता है वो होता है फेसाइकुलेशन एंड फेब्रिलेशनस अगर हम आप लास्ट वीडियो देखोगे तो इन दो ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है फेसाइकुलेशन और फेब्रिलेशन्स बट लास्ट वीडियो में हमने इसको भी क्लियर कर दिया था कि फेसाइकुलेशन्स और फेब्रेलेशन में डिफरेंस जब हमने देखा था तो फेसाइकुलेशन जो होता था वो पूरे के पूरे मसल बेली को स्टमुलेट करता था जबकि फेब्रिलेशनस जो थे वो इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को स्टमुलेट करते थे और यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इंडिविजुअल फाइबर्स के इरेगुलर कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल के, के को क्या कहते हैं तो हमने कहा था कि जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रेक्शन थे स्मॉल रैपिड इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होते थे स्किल्टल मसल में और उसमें भी ये इन्वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जब इंडिविजुअल मसल फाइबर्स के होते थे तो वो रिस्पॉन्सिबल होता था किसके लिए उसको हम लोग क्या कहते थे फेब्रिलेशन कहते थे सो so, इस क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका आंसर हो जाएगा फेब्रिलेशन सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्यू एन एन पी जी एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो हमने ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया दैट इज मसल स्पिंडन एंड टेंडन गोलगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टॉपिक दैट दैट इज इज Used in many uh, more topics. So, if you like our video, please hit the like button and uh, subscribe our channel. Thank you.